तो दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम मैं हूं होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे स्वागत करता हूं आपके फेवरेट हाँ में और आज यहां पे मैं आया हूं ताकि इंटीग्रेशन का एक टाइप सिखा सकूं सो इंटीग्रेशन में एक टाइप का क्वेश्चन है जो स्पेसिफिक टाइप का है तो वो टाइप सीखते हैं हम लोग कैसा टाइप का है तो देखे पहले कि अगर हमारे पास इंटीग्रल ऑफ द टाइप वन अपॉन वन प्लस टेन एक्स है ना या फिर या फिर इट इज इंटीग्रल ऑफ द टाइप वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू डी एक्स या फिर इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रल ऑफ द टाइप वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स इन टू डी एक्स या फिर इंटीग्रल ऑफ द टाइप वन अपॉन वन माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे तो ये स्पेसिफिक टाइप के होते हैं कैसे करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन वो हम लोग आज इसमें सीखेंगे चलिए देखते हैं ये, ये टाइप का क्वेश्चन कैसे हम लोग डील करते हैं सो so, पहला क्वेश्चन मैं मैं यहां पर आता हूं क्वेश्चन पे कि इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन वन प्लस टेन एक्स अगर मैंने ये लिख दिया सो so, पहले कैसे करूंगा एक एक, एक एक स्टेप हम लोग डिस्कस करते जाएंगे सो दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस टैन क्या होता है भाई टैन को साइन कॉस में लिखना पड़ेगा सो वी नो दैट टैन एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स सो लिख दो साइन एक्स एक्स फिर हम क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन कॉस एक्स इंटू वन विल बी कॉसेक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉसेक्स प्लस साइन एक्स और ये नीचे एक्स आने वाला था ऊपर चला जाएगा तो ऊपर एक्स हो जाएगा इंटू डीएक्स ये हो गया हमारा वैल्यू अब ये होने के बाद में पहले तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इतना होने के बाद में देखो हमारे पास क्या मिला इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज कॉसेक्स अपॉन कॉसेक्स प्लस साइन एक्स इंटू अब इसका अगला स्टेप क्यों करूंगा वो दो स्टेप के बाद पता चलेगा ओके सो पहले हम लोग टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो इसमें पहले टू से मल्टीप्लाई डिवाइड सो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया दिख रहा है सबको समझ में आ गया होगा क्या स्टेप फॉलो किया है और उसके बाद में इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टू वन बाई टू टू कॉस एक्स मतलब कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू कॉस एक्स का मतलब कॉस एक्स प्लस कॉस होल अपॉन यहां पर कॉसेक्स प्लस साइन एक्स नीचे क्या है कॉसेक्स प्लस साइन एक्स सो so, मैंने क्यू टू से मल्टीप्लाई किया था देखो नीचे साइन एक्स भी है तो अगर मैं प्लस साइनेक्स माइनस साइन एक्स ऊपर साइनेक्स लाना है तो एक साइन एक्स एड किया तो उसको बैलेंस करने के लिए माइनस साइन एक्स करना पड़ता है ओके okay? अब ये हुआ क्या इससे सो so, एक ब्रैकेट में हम लोग ये लिख पाएंगे दैट इज कॉसेक्स प्लस साइन एक्स ऊपर वन बाई टू सो एक ब्रैकेट में कॉसेक्स प्लस साइन एक्स लिख देना क्या लिखोगे एक ब्रैकेट में कॉसेक्स प्लस साइनिक्स देखो देखो हमारे पास क्या है एक ब्रैकेट में हम ऐसे लिख पाएंगे दिस कॉसेक्स प्लस साइन एक्स और एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा भाई दिस इज फर्स्ट ब्रैकेट प्लस अब बचा क्या कॉसेक्स माइनस साइन एक्स तो लिख दिया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओके द होल अपॉन द होल अपॉन दिस इज कॉसेक्स प्लस तो साइन एक्स इंटू डीएक्स अब ये होने के बाद सिंपल हो जाता है दोस्तों सो दिस इज वन बाई टू जब मैं अलग अलग करूंगा तो इसके नीचे डिनोमिनेटर टोटल कैंसल होके वन बचेगा प्लस दिस इज कॉसेक्स माइनस साइन एक्स कॉसेक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉसेक्स प्लस साइन एक्स इंटू डीएक्स अब देखो इंटीग्रेशन क्या हो गई है ये वन का इंटीग्रेशन वन एक्स होता है हमारे पास अब इसका कॉसेक्स का माइनस साइन एक्स होता है स का डेरिवेटिव क्या होता है देखो कॉसेक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइनक्स का एक्स। so, इसका मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है मतलब ये जो है ये पार्ट अगर मैं देखू सो so, वो एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है।, है ना ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट किसके फॉर्म में है इसके फॉर्म में है

सो so, ऑफ मतलब मैं अगर इसका डेरिवेटिव देखूंगा तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स एंड साइन एक्स का तो यही है ना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है यहां पे सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर सो डायरेक्टली दिस विल बी वन बाई टू वन का इंटीग्रेशन इज वन एक्स प्लस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर सो इट विल बी लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी सो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप 1 अपॉन 1 प्लस टैन एक्स सो एक मैंने किया 1 अपॉन 1 प्लस टैन एक्स आप लोग करोगे कौन सा 1 अपॉन 1 माइनस टैन एक्स का जो रहेगा इसका ये वाला आप लोग का होमवर्क होगा ओके okay? चलो ये 1 अपॉन 1 माइनस टैन एक्स विल बी होमवर्क अब एक मैं ये वाला करता हूं दैट विल बी योर होमवर्क तो ये एक मैं करता हूं जरा ध्यान से देखिएगा ओके okay? सो so, अगर मैं क्वेश्चन लिखू तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन ऑफ दी टाइप वन अपॉन वन माइनस कॉट एक्स सेम कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाला हूं दोस्तों कुछ भी स्टेप्स में चेंजेस नहीं करने वाला स्टेप्स याद रख लो जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा सो so, तो पहले तो हम लोग साइन बाय कॉस में लिखेंगे इसको सो so, कॉट क्या होता है भाई कॉस बाय साइन है ना साइन कॉस में लिखना है सो वन प्लस वन माइनस दिस कॉट एक्स इज वॉट कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू डीएक्स अब ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन साइन क्रॉस मल्टीप्लाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आने वाला तो साइन एक्स ऊपर चला जाएगा इंटू डी एक्स दिस इज इंटीग्रेशन अब अब इसको मैं देखूं इंटीग्रेशन को तो ये क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डीएक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये देखने के बाद में अगला स्टेप में मैं क्या करता हूं साइन एक्स कॉस एक्स में लिख चुका फिर टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा याद होगा कि क्या किया था टू से मल्टीप्लाई डिवाइड अगला स्टेप में अगर टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो मतलब इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन विल बी दिस इज वन बाई टू इंटीग्रेशन विल बी वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ दिस इज टू साइन एक्स मतलब साइनेक्स प्लस साइनेक्स उसके बाद में नीचे क्या दिख रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स into dx बराबर है into is this is what into dx अब ये होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं नीचे cos x है cos x लाने के लिए we will add cos x and we will subtract cos x चलो कर दे इसमें so we will add and subtract cos x मतलब plus cos x minus cos x ये होने के बाद into dx ये हो गया अब क्या करेंगे दिस इज वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ नीचे साइन एक्स माइनस कॉशेक्स दिख रहा था तो ऊपर एक ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉसेक्स लेके आओगे तो दिस इज साइन एक्स अब माइनस कॉसेक्स है तो माइनस कॉसेक्स है ना अपॉन ये साइन एक्स देखो जरा क्या क्या साथ में ले लिया हमने इसको और इसको साथ में ले लिया फिर बचा क्या एक ब्रैकेट में प्लस दिस इज साइन एक्स प्लस कॉसेक्स और साइन एक्स प्लस कॉसेक्स अब द होल अपॉन साइन एक्स माइनस कॉसेक्स अब मैं जब सेपरेट करूंगा डिनोमिनेटर को तो ये डिनोमिनेटर के नीचे ये जाएगा ये न्यूमरेटर के नीचे ये भी जाएगा सो वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉसेक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉसेक्स वन प्लस साइन एक्स प्लस कॉसेक्स साइन एक्स प्लस कॉसेक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉसेक्स इन टू डी एक्स जब मैं इसको देख पा रहा हूं तो क्या मिल रहा है इसको मैंने एफ ऑफ एक्स ले लिया देखो जरा डिनोमिनेटर को एफ ऑफ एक्स सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अगर मैं एफ डैश ऑफ देखू एफ डैश ऑफ एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव अगर मैं देखता हूं इसका तो साइन एक्स का क्या हो जाता है साइन एक्स का कॉसेक्स एंड कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स सो माइनस माइनस प्लस मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है सो डायरेक्टली दिस विल बी वन बाई टू वन का इंटीग्रेशन एंड इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो मतलब एक ऐसे फॉर्म में है इंटीग्रेशन ऑफ दी टाइप एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स सो दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी सो इसका डेरिवेटिव देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला है है ना नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला सो डायरेक्टली डायरेक्टलीस ऑफ एक्स प्लस का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ये टाइप का क्वेश्चंस कैसे करते हैं एक मैंने ये किया दिस विल बी योर होमवर्क होमवर्क लिखना और जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा ये दोनों होमवर्क का आंसर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम Goodbye. I'll be there, guys. And you have Intel's online learning hub. Download the app now.